ए टू जैड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल खड़िया भाई खेड़ी चुपटा में और शिवा हॉस्पिटल, यानी फिलहाल नया खुलिया है जींद बरवाला ऑन रोड है और खेड़ी चुपटा तय गैबीनगर गाँव की तरफ नज़दीक है जो वर्धमान पैलेस, और आपने देख भी लिया होगा। फिलहाल जो उर आने का कारण है एक आई फ्लू की जो बीमारी आपने पता भाई हर घर में एक आदमी का तो ज़रूर है, और मतलब खोफनाक बीमारी होगी, खोफ पैदा कर दिया इस बीमारी ने। हर इंसान का भीतर मन उड़ रहा है कदे मेरे निकाले चश्मे चढ़ जाए। और शिवा हॉस्पिटल में मैडम है जो स्पेशलिस्ट आँखों की है, उन तक जानकारी लेवांगे भाई इसका होण का कारण के है और अगर यू हो जे है तो इस तक बचाव के उपाय के हैं। तो आज भाई मैडम अंदर बैठी हैं, तो मैडम जी सबसे पहले नमस्कार। आप अपना एक बार परिचय दे दो। मेरा नाम डॉक्टर नीलू हुआ और मैंने झारखंड से पढ़ाई की है। अच्छा, अभी फ़िलहाल मैं जॉब कर रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं दिल्ली में थी, अभी रिसेंटली यहाँ पे आई हूँ। तो मतलब इतनी दूर से आप हरियाणा में आए, पहली बात तो ये बताओ हरियाणा में आके मतलब कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, अच्छा जगह है, काफ़ी नया है, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ नया नया एक्सपीरियंस गेन कर रही हूँ यहाँ पे। जो हरियाणा की बोली है वो बड़ी अलग है, बड़ी विचित्र सी है, तो मतलब समझ आती है आपको? हाँ बिल्कुल समझ जाती हूँ, ऐसा तो कुछ है नहीं है। मैम एक जो आई फ्लू है बहुत ज़्यादा प्रकोप है फिलहाल इसका, तो ये मतलब किस कारण हुआ है थोड़ा बता सकते हो? देखिए ये आई फ्लू जनरली ये कारण होता है कि इन्फेक्शन हो जाना किसी की वजह से आँखों में, या फिर कभी बच्चे जो होते हैं गंदे आँखों से गंदे हाथों से छू अपने आँखों को छू देते हैं। दूसरी बात कि कभी कभी किसी को हुआ उसके गंदे टॉवल से हो गया, या फिर उसने कुछ चीज़ें इस आँख से छुआ फिर दूसरे आँख को छू दिया, इस वजह से ये स्प्रेड होने वाली बीमारी है। देखने से भी होता है अगर हम सामने वाले को देख लें जिसको आई फ्लू, अगर ऐसे विदाउट कॉन्टैक्ट है आईज मतलब बिना चश्मा पहने हुए हैं और काफ़ी क्लोज कॉन्टैक्ट है तो ये फैल सकता है। जनरली आप देखे होंगे कि एक परिवार में किसी को ये आई फ्लूज हुआ तो परिवार के पूरे लोगों को गई, तो ये जो स्प्रेडिंग बीमारी है ये जनरली कॉन्टामिनेटेशन है, ये जैसे कि छुआ कोई चीज़ उससे उसको छू दिया तो इस तरह से ये स्प्रेड हो रही है लोगों में भी, खास करके क्लास में बच्चे को भी है। अगर काला चश्मा पहना जाए तो इससे बचा जा सकता है। काला चश्मा ही क्यों? काला चश्मा इसीलिए क्योंकि वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि काला चश्मा पहने, बस एक तरह से उसको प्रोटेक्शन हो जो बैक्टीरिया या वायरस जिस वजह से ये स्प्रेड हो रहा है उससे बचाव हो सके, इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि काला चश्मा पहने। लेकिन काला चश्मा ये हो जाता है ना कि रेडनेस हो जाती है, वाटरिंग होती है, तो थोड़ा सा धूप से बचाव हो जाता है, इस वजह से थोड़ा सा पेशेंट को रिलीफ होता है, इसलिए काला चश्मा हम लोग बोलते हैं, और कुछ ज़रूरी नहीं है। कितने दिन तक रहता है मैम आई फ्लू? जनरली ये फ्लू 3 से 4 दिन, और अगर 3 से 4 दिन में अगर आपको नहीं ठीक हो रहा तो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, आपको एक आई स्पेशलिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए अगर बढ़ रही है बीमारी तो। और ये तो कोई घबराने वाली वैसी कोई बात नहीं है। इस थोड़ा बचाव के भी तरीके बता दो आप कि मतलब अगर हम ये ट्रीटमेंट करें, कोई घर पर ट्रीटमेंट है या हॉस्पिटल में आना ज़रूरी, या कोई देसी ट्रीटमेंट है जिससे मतलब इसका बचाव? देखिए देसी ट्रीटमेंट तो अगर जैसे जैसे डिपेंड कर रहा है कि आपको इन्फेक्शन कितना हुआ है, कैसा इन्फेक्शन है। अगर सिर्फ आँख हल्की सी लाल हो रखी है जिसको पिंक आई कहते हैं और आँखों में पानी आ रहा है तो 2-3 बार आप ठंडे पानी से आँखों को धोएं और थोड़ी सी गंदी चीज़ों से बचें, और कोशिश करें कि अपनी चीज़ें जो हैं वो दूसरे को घर में ना दें ताकि वो दूसरे को ना फैले, और ऐसे अगर करते हैं तो 2 से 3 दिन में ठीक हो जाना चाहिए। अगर उसके बाद भी अगर ठीक नहीं रहा तो आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करनी बहुत ज़रूरी है। सावधानी किस चीज़ की बरतें? सावधानी ये है कि जिसको हुआ है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, और घर में अगर किसी को हुआ है तो एक आइसोलेट कर दें उनको, एक मतलब उनकी हर एक चीज़ें थोड़ा सा दूर कर करके एक डिस्टेंस मेंटेन रखें, उनको हमेशा बोलें कि आप चश्मा पहन के रहिए और आराम कीजिए, यही कहा जा सकता है ताकि दूसरे को ना फैले, और क्या। ये जो मशीन है मैम ये किस चीज़? ये मशीनें जनरली ये तो आपका कंप्यूटर कहते हैं इसको, ऑटोरेफ करते हैं हमारे वर्ड में। हाँ जी बिल्कुल, ये सारी मशीनें चेक करने वाली ही हैं। इस मतलब जिससे चश्मे बनाते हो आप, हाँ, वो चीज़ें? हाँ चश्मे यहाँ पे फैसिलिटी के तौर पे चश्मा जांच हो जाती है,
फिर अगर मोतियाबिंद वगैरह है उसका भी ऑपरेशन हो जाता है। अच्छा। और कुछ आई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपको, बीमारी है किसी तरह का, फिर कॉर्नियल अल्सर, बैक्टीरियल अल्सर बहुत सारा होता है कॉर्निया में, आँखों में छोटी छोटी बीमारियाँ, तो वो सब भी यहाँ पे फैसिलिटी उपलब्ध है। बुजुर्ग होते हैं जो मतलब एज ज़्यादा हो जाती है 60-70-75 प्लस, तो बोलते हैं ना कि भाई मन तो आँख बनवानी है, समझो आप, तो मतलब वो काम भी होती है। हाँ जी, आँख बनवाने का मतलब ये कि उनको मोतियाबिंद हो गया, मोतियाबिंद मतलब सफ़ेद मोतियाबिंद हो गया है, तो वो ऑपरेशन यहाँ पे होती है। उसमें क्या करते हैं, लेंस निकालते हैं और एक नया लेंस डालते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे वो भी है, फैसिलिटी अवेलेबल है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो भाई ये थी मैडम जी, आपने बात करी है मतलब आई फ्लू का 12 महीने बताया है नॉर्मली जो चीज़ है कि किस कारण यू फैला है और किस तरीके है उस पेशेंट तक, अगर आपने दूरी तो बनाकर रखनी रखनी पड़ेगी, और जो मैडम ने बताया कि बगैर चश्मे अगर वो है और अगर अपना आई कॉन्टैक्ट हो तो शायद उस पर भी होने के चांस है। और दूसरी चीज़ के अगर मान लो कोई तौलिया उसने यूज़ कर लिया, रुमाल उसने यूज़ कर लिया, वो आप आई यूज़ करेंगे उससे भी ज़्यादा चांस है। और इसके साथ साथ मैडम जो है क्योंकि स्पेशलिस्ट है यानी मशीन है जो कंप्यूटर वाली जिस तरह चेक करें, अगर सीधी सीधी बात ये है। और जो फैसिलिटी की अगर आप बात करेंगे तो भाई इस हॉस्पिटल में भी मैडम जी स्पेशल फैसिलिटी इस चीज़ की भी दे रही है, जिस तरीके का आँख बनवान गया पका करा भाई बुजुर्ग हो जाएगा मैंने आँख बनवानी है तो वो मरीज भी संपर्क कर सकते हैं, और भाई चश्मा बनवाना है तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। शिवा हॉस्पिटल है खेड़ी चोपटा में और जींद बरवाला ऑन रोड है। तो यह वीडियो आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है ताकि यह जो जानकारी है इस हॉस्पिटल की जो जानकारी है वह आसपास के लोगों ने भी मिले, और जो शहर में जाने की बजाय उनका गाँव में काम चल जाए, और आपके जो सोच विचार हैं वो आपने ज़रूर देने हैं। जय जवान जय किसान।